हेलो दोस्तों, कैसे हो? गलत व्यक्तियों का चयन आपके जीवन को प्रभावित करे या ना करे, पर एक सही व्यक्ति की अनदेखी आपको जीवन भर का पछतावा दे सकती है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स नीट एमबीबीएस, एम्स एमबीबीएस नीट से मिली हुई नॉर्मल, जिसे अपन एमबीबीएस बोलते हैं, बीडीएस डेंटल कॉलेजेस, बीएससी नर्सिंग और बीएचयू की मेडिकल कॉलेज, बीएससी नर्सिंग वाली, उसमें किस तरीके से कट ऑफ रही है, कहां तक बच्चों को कॉलेज मिल गया है, कौन सा कॉलेज मिला है, एक एक करके बात करते हैं। एम्स की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी मैंने यहां पे मेंशन कर रखी है, ये मैंने जनरल के साथ में जनरल का जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जो फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट है, उनकी बात यहां पे की गई है। तो एम्स मदुरई मिली है 657 नंबर पे, पीएच में 380 पे मिल गई है, ओबीसी में 651 नंबर पे मदुरई मिली है। ये मैंने डॉट डॉट करके लिख रखा है ना, ये मदुरई मेडिकल कॉलेज है यहां तक। ईडब्ल्यूएस में 647 में मिल गई है, एससी में 575 तक मिल गई है, एससी में 339 तक एम्स कॉलेज मिल गया है। एसटी में मिली है मदुरई, एससी में मिली है मदुरई और ईडब्ल्यूएस पीएच में बीबी नगर मिला है, बीबी नगर एम्स, बाकी सबको मदुरई मिला है। उसके बाद में नीट में मैं बात करूं तो नीट का आपको पहले ही मैंने बता दिया, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। नागालैंड की जो मेडिकल कॉलेज है वो 612 नंबर पे जनरल कैटेगरी मिली है, 611 नंबर पे वही मेडिकल कॉलेज ओबीसी को मिली है, ईडब्ल्यूएस पे मैं, और ये मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्शन दिया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यही बताई थी। और ये देख लो वो की वो कट ऑफ, आप वो पुराना वीडियो जाके रिकैप कर सकते हैं। तो ये कि ये कट ऑफ, ये कि ये नंबर मैंने वहां पर मेंशन कर रखे हैं, 612 पे जनरल, 611 पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 608-9 मैंने लिखा था, एससी में 493 नंबर, ये 492 नंबर पे नागालैंड मिल गया, और एसटी में 465 नंबर पे, सॉरी, ये कन्नूर मेडिकल कॉलेज मिल गया है। बीडीएस की मैं बात करूं तो कन्नूर में 583 पे जनरल को मिल गया है, 579 पे ये पुडू का कोई मिल गया है, और जामनगर मिल गया है यहाँ पे पीएस में ओबीसी को, और 565 नंबर पे कन्नूर मेडिकल कॉलेज मिल गया है बीडीएस का, और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। और कपाड़ा में मिला है 452 नंबर पे एसी कैटेगरी में, और 422 नंबर पे रायपुर मेडिकल कॉलेज, जो डेंटल मेडिकल कॉलेज है, वो मिल गया है एसटी कैटेगरी में। बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो ये जो रमाकांत मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की दिल्ली में, इसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 506 नंबर पे जनरल कैटेगरी मिला है, 494 पे ओबीसी को मिला है, और 486 पे ईडब्ल्यूएस को, एससी को 405 नंबर पे, और 369 नंबर पे एसटी को मिल गया है। इधर मैंने बीएचयू का सेम मेंशन कर रखा है, बीएचयू वाराणसी की जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे 561 नंबर पे बीएचयू मिल गया, ये जनरल कैटेगरी को, ओबीसी को 549 पे, ईडब्ल्यूएस को 538 पे, और एससी को 443 पे, और एससी को 392 नंबर पे मेडिकल कॉलेज मिल गया है। बीएससी नर्सिंग की बात मैंने करी, बीडीएस की मैंने बात करी, और यहाँ पे मैंने एम्स, और ये यहाँ पे मैंने एम्स लिखा हुआ है, एम्स मेडिकल कॉलेज। इस तरीके से आपने एक एक करके बात कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब थर्ड राउंड का कट ऑफ क्या रहने वाला है। थर्ड राउंड का कट ऑफ, यहाँ से अगर मैं रैंक वाइज बात करूँ ना, तो रैंक वाइज अगर मैं बात करूँ, जितनी रैंक यहाँ पे जा रही है उससे अभी 2000 रैंक आगे जा सकती है। 2000 रैंक का मतलब है कि आपको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिलता हुआ दिख रहा है कि जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 22000 रैंक तक मेडिकल कॉलेज मिल गया है, 22000 रैंक के आसपास, तो 24000 रैंक तक। क्या यहाँ पे 25000 रैंक तक मेडिकल कॉलेज मिलेगा? क्या यहाँ पे 26000 रैंक तक ओबीसी को मेडिकल कॉलेज मिलेगा? क्या ईडब्ल्यूएस में 25, 26, 27, 26.5 तक मेडिकल कॉलेज मिलेगा? क्या एससी कैटेगरी में 140000 तक मेडिकल कॉलेज मिलेगा, 150000 तक मेडिकल कॉलेज मिलेगा? क्या एसटी कैटेगरी में 155000 तक मेडिकल कॉलेज मिलेगा? तो सबका आंसर है हाँ, लास्ट में यहां तक मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो आप यहां से निश्चित रहिए कि यहां से ये नंबर ज्यादा कम तो नहीं होने वाले, लेकिन अगर रैंक की मैं बात करूं तो जो मैंने अभी बोल के बताया वहां तक कट ऑफ जाने वाली है। तो जो बच्चे बाउंड्री लाइन के बच्चे हैं वो लास्ट तक जरूर काउंसलिंग ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।